हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे पास है ये मोबाइल जिसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जब हम इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से आता है। जब यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये जो है वो चलेगा। या फिर दोस्तों क्या होता है, जब हम यहाँ से इस पर कॉल लगाते हैं तो क्या होता है, जहाँ से आपको पहले दिखा देता हूँ, जब हम यहाँ से इसको कॉल लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो है ना इसकी लाइट है ये बंद हो जाएगी। इस तरह से जब हम यहाँ से कॉल लगाएंगे तो ये क्या होगा, हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी। और ये जो लाइट है तब तक नहीं जलेगी जब तक हमारा फ़ोन नहीं कटेगा। आप इधर से फ़ोन नहीं काट पाओगे, अगर उधर से फ़ोन कटेगा तभी आपकी जो डिस्प्ले की लाइट है ये आ पाएगी। अभी आप कुछ भी कर लो, जहाँ से जो डिस्प्ले लाइट है नहीं आएगी जब तक ये फ़ोन नहीं कटेगा। तो आज आपको इसी का सोल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जब किसी फ़ोन में सेटिंग होती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, या प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ऊपर, तो जब ये ख़राब हो जाता है, जहाँ पर आप फोल्डर वगैरह न्यू डालते हो, तो ये क्या होता है, जहाँ से सेंसर ख़राब हो जाता है। तो जिस फ़ोन में ये सेटिंग होती है उसमें तो आप अंदर से ही इसकी सेटिंग करके इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर को बंद कर सकते हो, लेकिन जब किसी फ़ोन में ये सेटिंग नहीं दी होती इसको ऑफ़ करने की, तो हमें क्या करना पड़ता है, आज आपको यही दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सिम को बाहर निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, इसके ढक्कन को खोल देंगे। बिल्कुल आराम से आप कुछ भी इसमें जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक छोटा सा जो है वो जिसका जो सेंसर है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उससे आपका कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, आप सिर्फ 2 मिनट का काम है, ज़्यादा लंबा काम है नहीं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि फ़ोन को भी ध्यान से खोलना पड़ेगा। देखा जाए तो दिक्कत है भी कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम है भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर आपकी डिस्प्ले नहीं जलेगी तो आप फ़ोन को भी नहीं काट पाओगे। तो ये है दोस्तों, यहाँ से होता है, ये है हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। आपके फ़ोन में इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको रिमूव करने से। तो यहाँ से कर देते हैं इसको रिमूव। तो अभी हमने सिम को डाल लिया है, तो जल्दी से आपको दिखाते हैं। जहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारी पहली प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। जब हम यहाँ से लॉक खोल रहे थे तो ये वॉल्यूम का जो है वो यहाँ पर साइन आ रहा था कि वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करें, तो यहाँ से अभी आप देखोगे कि अभी वो जो है वो नहीं आ रहा। तो उसके बाद आपको कॉल लगा के भी दिखा देंगे कि हमारा सेंसर जो है वो बंद होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम आपको कॉल लगा कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हो चुका है, हमारी जो अभी लाइट है ये ऑफ यहाँ से नहीं हो रही। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपका फ़ोन सही हो गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।